फ्रॉम वाराणसी। आई एम इन क्लास 3 एंड माई स्टोरी नेम इज बीरबल बना बच्चा। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो उसने बोला, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में न जाओ। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें समझा कर यहाँ आया हूँ, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली न मिली। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, भला किसी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है, इतनी देरी तो लग ही नहीं सकती। मेरे पास कोई बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना आसान है यह काम। ठीक है जापना, बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ, तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और उछल कूद करने लगा। फिर वहां जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और लगा उनकी मूंछों से छेड़खानी करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर बादशाह ने कुछ मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। फिर बादशाह ने बीरबल को खिलौने भी दिए, लेकिन फिर से बीरबल रोने लगे और कहने लगे, नहीं मैं तो गन्ना खाऊंगा। बादशाह मुस्कुराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। बोले, नहीं मुझे पूरा गन्ना नहीं चाहिए, मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में कटा गन्ना दो। बादशाह ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वह एक गन्ने के छोटे टुकड़े कर दे। यह सब देखकर बीरबल और जोर जोर से रोने लगे और बोले, नहीं सैनिक गन्ने नहीं काटेगा, आप खुद काटें इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, खुद अपने ही बिछाए जाल में जो फंस गए थे वह। फिर उन्होंने गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करके दिए, लेकिन बीरबल ने बच्चों की बात ही फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया और बोला, नहीं मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोते हुए बोले, नहीं मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बना कर दो, कैसी अजब बात कर रहे हो, यह भला कैसे संभव है। बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य चुक गया। बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी तब। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं मुझे मत मारो हुजूर, अब आपको पता चल गया कि बच्चों की बेदुगी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। हाँ ठीक कहते हो, रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो।